हरियाणा और गुजरात दो राज्यों ने एक बड़ा अनोखा प्रयोग किया। इस वर्ष उन्होंने हर गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका ध्वजवंदन करने के लिए उन्होंने उस गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी बेटी है उसको पसंद किया। हरियाणा और गुजरात ने बेटी को महात्म्य दिया, पढ़ी लिखी बेटी को विशेष महात्म्य दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका एक उत्तम संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया। मैं दोनों राज्यों के इस कल्पना शक्ति को बधाई देता हूं और उन सभी बेटियों को बधाई देता हूं जिन्हें ध्वजवंदन ध्वजारोहण का अवसर मिला। हरियाणा ने तो और भी बात की कि गत एक वर्ष में जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है ऐसे परिवारजनों को 26 जनवरी के निमित्त विशेष निमंत्रित किया और वीआईपी के रूप में प्रथम पंक्ति में उनको स्थान दिया। यह अपने आप में इतना बड़ा गौरव का पल था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ हरियाणा से किया था, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो में बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। 1000 बेटे के सामने जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, बड़ी चिंता थी, सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ गया था। और जब मैं हरियाणा पसंद किया तो मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा था कि नहीं नहीं साहब वहां मत कीजिए, वहां तो बड़ा ही नेगेटिव माहौल है। लेकिन मैंने काम किया और मैं आज हरियाणा को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात को अपनी बात बना ली और आज बेटियों के जन्म की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। मैं सचमुच में वहां के सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे नौजवानों, आपने तो कमाल कर दिया। जब स्टार्टअप का कार्यक्रम 16 जनवरी को हुआ सारे देश के नौजवानों में नई ऊर्जा नई चेतना नया उमंग नया उत्साह मैंने अनुभव किया। लाखों की तादाद में लोगों ने उस कार्यक्रम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन इतनी जगह न होने के कारण आखिर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया। आप पहुंच नहीं पाए लेकिन आप पूरा समय ऑनलाइन इसमें शरीक होकर के रहे। शायद कोई कार्यक्रम इतने घंटे तक लाखों की तादाद में नौजवानों ने अपने आप को जोड़ करके रखा हुआ ऐसा बहुत रेयरली होता, लेकिन हुआ। और मैं देख रहा था कि स्टार्टअप का क्या उमंग है। और लेकिन एक बात जो सामान्य लोगों की सोच है कि स्टार्टअप मतलब कि आईटी रिलेटेड बातें, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कारोबार। स्टार्टअप के इस इवेंट के बाद ये भ्रम टूट गया। आईटी के आसपास का स्टार्टअप तो एक छोटा सा हिस्सा है, जीवन विशाल है, आवश्यकताएं अनंत है। स्टार्टअप भी अनगिनत अवसरों को लेकर के आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले सिक्किम गया था। सिक्किम अब देश का ऑर्गेनिक स्टेट बना है और देश भर के कृषि मंत्री और कृषि सचिवों को मैंने वहां निमंत्रित किया था। मुझे वहां दो नौजवानों से मिलने का मौका मिला, आईएम से पढ़कर के निकले हैं। एक है अनुराग अग्रवाल और दूसरी है सिद्धि करनाणी। वो स्टार्टअप की ओर चल पड़े और वो मुझे सिक्किम में मिल गए। वे नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और हर्बल पैदावार है, ऑर्गेनिक पैदावार है, इसका ग्लोबल मार्केटिंग करते हैं। ये हुई ना बात। पिछली बार मैंने मेरे स्टार्टअप से जुड़े लोगों से कहा था कि नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने अनुभव भेजिए। कईयों ने भेजे हैं लेकिन और ज्यादा आएंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जो आए हैं वो भी सचमुच में प्रेरक है। कोई विश्वास द्विवेदी करके नौजवान है, उन्होंने ऑनलाइन किचन स्टार्टअप किया है और वो मध्यम वर्गीय लोग जो रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं उनको वो ऑनलाइन नेटवर्किंग के द्वारा टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। कोई मिस्टर दिग्नेश पाठक करके हैं, उन्होंने किसानों के लिए और खास करके पशुओं का जो आहार होता है एनिमल फीड होता है उस पर काम करने का मन बनाया है। अगर हमारे देश के पशु उनको अच्छा आहार मिलेगा तो हमें अच्छा दूध मिलेगा,
हमें अच्छा दूध मिलेगा तो हमारा देश का नौजवान ताकतवर होगा। मनोज गिल्दा, निखिल जी, उन्होंने एग्री स्टोरेज का स्टार्टअप शुरू किया है। वे साइंटिफिक फूड स्टोरेज सिस्टम के साथ कृषि उत्पादों के लिए बल्क स्टोरेज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। यानी ढेर सारे सुझाव आए हैं, आप और भी भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे बार बार मन की बात में अगर स्टार्टअप की बात करनी पड़ेगी तो जैसे मैं स्वच्छता की बात हर बार करता हूं, स्टार्टअप की भी करूंगा, क्योंकि आपका पराक्रम